आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के दरियापुर नेवादा से आया है। यहाँ पर घर के अंदर कोई सांप देखा गया है, ऐसे में बिना वक्त गवाए हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कहाँ पर और कौन सा सांप है, उसका सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं। इसमें था ना, इसी में दवाई नहीं ला, चलना पड़ेगा, दूर फेंके थोड़ा सा। क्या हो गया, कैसे गिर गया, संभाल के लगा तो नहीं, रुक जा रुक जा, उठ जाएंगे, उठ जाए, लगा नहीं ना, लग गया हाथ में पत्थर, हमको लगा पैक है। पत्थर उत्थर पे फिसला क्या हुआ है? नहीं, पत्थर था ना, पत्थर वो था, ऐसे रखा हुआ था, हमको लगा कोई पैक है उसमें जमीन के, और मट्टी में चला गया है। हटा काफी अंदर होल है। इधर नारी है का? अच्छा, बंद किया हुआ है ना? अच्छा, अच्छा, ये नाली मतलब इसमें जाएगा, आएगा ना? बोरा से मुंडे जाएगी इसका, इसको मतलब बंद किए हैं आप। चलिए, अच्छा, उठाइए इसको, इधर जा रहा है, मतलब वो आएगा इधर ही। हटाइए
तो यहाँ से भी बोला चल गया, हटाइए इसको, हटाइए उधर, हाँ इधर ही फेंके। कुछ चमकट बाव है, इधर से उधर से करी इधर आएगा, पट्टी हटाना पड़ेगा, पट्टी हटाना पड़ेगा, आराम से आराम से। कीचड़ उतार रहा, देखिए कीचड़ छोड़ते हैं। और गाइस आप लोग, और गाइस आप लोग देख सकते हैं ठीक इसी तरह से सांप अपनी कीचड़ को निकालता है। सांप का कीचड़ निकालने का प्रोसेस आज आप लोगों ने हमारे इस वीडियो में लाइव देख लिया। चलिए चला जा, चलिए थोड़ा सा दूर रहते आप लोग, रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता खाली करिए। खींचा रहा है फोटो, काय डरा तू? इसको हिंदी में नाक कहते हैं, इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा, कहीं कहीं गेहूं, कहीं कहीं फिटार, कहीं कहीं इसको पलटू भी कहा जाता है। कभी भी अगर ये बाइट करे तो आप लोगों को सीधा हॉस्पिटल जाना है, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। झाड़ फूक से वही लोग बचता है जिसको बिना जहर वाला सांप काटा रहेगा। वही झाड़ फूक वाले जब ये सांप काटेगा ना तो बोलेंगे कि आपने थोड़ा सा लेट कर दिया आने में, इसीलिए मैं इनको बचा नहीं पाया। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोग कभी भी ये अगर सांप काटे तो आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है, कोई इलाज तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना, इलाज करवाना है। चलिए ठीक है, इसको पैक करते हैं अभी। फाइनली काफ़ी ज़्यादा मशक्कत और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद हमने इस सांप को सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू कर लिया है। और आप में से ज़्यादातर लोग तो इसके बारे में जाने ही गए होंगे कि इसको अंग्रेजी में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं और ये जहरीला सांप होता है। अगर ये किसी भी इंसान को काट लेता है और वो इंसान इलाज नहीं करवाता है तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। इसके सिर के पीछे आप लोग देखेंगे तो चश्मे की तरह निशान बना रहता है, इसीलिए इसे स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहा जाता है। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, अरे खूर बना है ना, अपने लोकल भाषा में क्या कहना मिस्त्री साहब, खूरिया खूरिया ना। तो देखा जाए कि एक पीछे चश्मा बना ला, देखा पीछे दिखा था नहीं है, तो इधर से आगे देख लीजिए, मरले वहा नहीं तो भाई मारिए मत, मारना कोई सलूशन तो है नहीं। आप अच्छा पहले कितना कितना खाली हुआ करता था, पहले घर वर बहुत कम हुआ करता था ना। हम लोग एक तो इनका घर कब्जा कर ले रहे हैं और ऊपर से इनकी जान ले ले रहे हैं,
तो इनकी आत्मा हमें आशीर्वाद नहीं देगी, बद्दुआई देगी, क्योंकि जितना अधिकार धरती पे आपका है जीने का, उतना अधिकार इनका भी है। अभी हम लोग उसको बैग के अंदर पैक करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं खुद ब खुद चला जाता है या फिर थोड़ा ज़्यादा वक्त लेता है। जो भी होगा हम लोग उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, और इसे पैक करने के बाद यहाँ से दूर ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे, जहाँ पर अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे ढंग से जी पाएगा। कोई दुआ काम नहीं करेगा भैया, हाँ सीधा हॉस्पिटल जाना है आप लोग को। ये सब केचुल छोड़ रहा है, तो आप लोग क्या लग रहा है, बाल है? नहीं नहीं, जाओ महाराज अपना स्थान बजाओ। भैया मैंने पहले में रख लिया ना, है हाँ ठीक। कभी हमारी कॉपी मत करिएगा भैया, कोई सबको बता रहा हूँ। हाँ कि देखने में बहुत आसान लग रहा है, कॉपी करने के चक्कर पड़ेंगे, बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। चलिए, पूरे दिन बहुत ज़्यादा रेस्क्यूज होने के कारण हम लोग इस सांप को रिलीज़ नहीं कर पाए, इसलिए रात के वक्त हम लोग उसको रिलीज़ करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, यहाँ पर अच्छे ढंग से रह लेगा और अपनी बाकी की जिंदगी जी पाएगा। आप देख सकते हैं जो सांप है वो अपने अनुकूलित वातावरण में चला गया। आज की वीडियो जानकारी आपको कैसे लगे कमेंट करिए, जरूरत है वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।